हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मेनली हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी में हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था दैट पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पेयर ऑफ चार्ज इज गिवन बाय दिस के Q1 Q2 बाय R, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर चुके थे दैट यू इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R। यही पोटेंशियल एनर्जी हमने एक अरेंजमेंट की, एक सिस्टम की, मोर देन टू चार्जेस की जब निकाली थी, तो मैं आपको बोला था कि आप सारे पॉसिबल पेयर्स, उसमें जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं उन सभी पेयर्स का हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, और दोज पेयर्स, दोज पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज विल बी एडेड टू फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल ऐसे पेयर्स का पेयर वाइज पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए आपको उन सबको ऐड करना रहेगा। अच्छा, अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने कुछ वर्क वाले कॉन्सेप्ट से ड्राइव किया था, कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात की थी कि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज डिफाइंड फॉर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो। लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, जो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इट वॉज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू वर्क, है ना। तो वहीं से अपन अपना पॉइंट रिज्यूम करते हैं। हम लोग मेनली कुछ एग्जाम्पल्स, अभी तक की थियोरी जो हमने डिस्कस की है उसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, एंड देन वी मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट जो होगा दैट विल बी अबाउट पोटेंशियल आफ्टर वी फिनिश द एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टॉपिक। तो लास्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वर्क डन वाला पॉइंट, वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट। नाउ इन केस वी हैव अ सिचुएशन जहां लेट्स से वी हैव थ्री चार्ज पार्टिकल्स, राइट, वी हैव थ्री पार्टिकल्स, दे आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड लेंथ ए, लेट्स से दिस इज क्यू, ये क्यू चार्ज एंड दिस क्यू चार्ज एंड साइड लेंथ ए, एंड इनिशियली दे आर अरेंज्ड ऑन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ ए। नाउ इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को मुझे साइड लेंथ ए वाले ट्राइंगल से मूव करके ए बाय टू वाले ट्राइंगल पे शिफ्ट करना है। अगर इस तरह का टास्क है दैट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्फिगरेशन ये ए साइड लेंथ के ट्राइंगल पर अरेंज है, और इन्हें मूव करके मुझे ए बाय टू के वर्टिसेस पे इन्हें शिफ्ट करना है। इस तरह का कोई पॉइंट अगर आता है दैट अ सिस्टम has to be moved from its initial configuration to a final configuration. कि ये initial configuration ये था कि A side के triangle पर पड़े थे, और final configuration ये है कि A by 2 side के triangle पर shift करना है। या फिर let's say we have four charges जो एक square के vertices पे हैं, A side length वाले square के vertices पे हैं, और 2A वाले पे shift करना है या A by 2 वाले पे shift करना है, तो एक arrangement को मुझे initial configuration से final configuration की तरफ अगर ले जाना है, and if we are asked right, if we are asked कि ये arrangement से initial से final configuration तक जाने में, initial से final configuration तक जाने में, if the question says we need to find W external, कि इनको ये वाले triangle से shift करके A by 2 वाले पे अगर लेकर जाना है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे लेके जाना है, और हमें W एक्सटर्नल फाइंड आउट करना है कि ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंसीज को कितना वर्क करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में एक्सटर्नल एजेंसीज को कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर वो पूछा हुआ है। तो मैं लास्ट टाइम आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि W एक्सटर्नल जो है, अपने बेसिक वर्क एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से अपन रिकॉल करें, W एक्सटर्नल जो है इट वॉज डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। और अगर हमारे सिनेरियो में ये डेल्टा के जो है फिर जीरो, है ना, अगर ये डेल्टा के जीरो है, इन दैट केस डब्ल्यू एक्सटर्नल, इस कॉन्फ़िगरेशन को बदलने में जो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा, जो एक्सटर्नल एजेंसीज को वर्क करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल फोर्सेस को वर्क करना पड़ेगा, दैट कैन बी इवेल्युएटेड बाय डेल्टा यू। दिस डब्ल्यू एक्सटर्नल कैन डायरेक्टली बी रिटन एज डेल्टा यू। मतलब हम लोग इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, वो सीखा अपन ने, और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, एंड द डिफरेंस ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। अच्छा, अगर मुझसे पूछा है दैट वी नीड टू फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो इन पे लग रहा है आपस में, एक तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क पूछ रहे हैं। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है
कि यहां इस कॉन्फ़िगरेशन से शिफ्ट करके इधर लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ने कितना वर्क किया, भाई ये भी आपस में एक दूसरे को फोर्सेस लगा रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस ने कितना वर्क किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया है, तो पॉइंट वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, रिकॉल करें डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू सी, तो डब्ल्यू सी जो होगा दैट कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा यू। वही मैं आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहा था कि अगर मुझे ये एक कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने में, ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर बना हुआ हो तो एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने में जो एक्सटर्नल एजेंसीज को वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस को वर्क करना पड़ेगा, दैट डब्ल्यू एक्सटर्नल कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग दिस डेल्टा यू, प्रोवाइडेड डेल्टा के इज जीरो। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस का वर्क पूछना है कि यही प्रोसेस में यही काम करने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने कितना वर्क किया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क अगर लिखना है तो दैट विल बी वैल्यूड बाय माइनस डेल्टा यू, है ना। अब इसी इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का जो भी अपन ने अभी तक डिस्कस किया है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन मेनली अब अपन स्टडी कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपन स्टडी कर रहे हैं। राइट, तो अब एग्जाम्पल अपन ये ले रहे हैं, दैट मान लीजिए वी आर गिवन अ क्यूब, एक क्यूब हमें गिवन है, एंड द पॉइंट इज कि इस क्यूब के सभी वर्टिसेस पे, राइट, इस क्यूब के सारे वर्टिसेस पे वी हैव प्लेस्ड आइडेंटिकल चार्जेस, तो ये सारे वर्टिसेस के ऊपर अपन ने क्यू चार्ज प्लेस किया है, तो सारे वर्टिसेस पे वी हैव आइडेंटिकल चार्जेस, ये क्यू चार्ज अपन ने सभी वर्टिसेस पे प्लेस किया, एंड वी नीड टू फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी यूनिट ऑफ The system, ठीक है, मुझे इस पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो मुझे एक अरेंजमेंट ये गिवन है और इस अरेंजमेंट पे मुझे पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रहा था दैट अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, इनिशियली मैंने ट्राइंगल का एक सिचुएशन लिया था जहां पे अपन ने देखा था कि तीन पेयर्स बन रहे थे, तीन चार्जेस थे और तीन पेयर्स बन रहे थे, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3। फिर मैंने स्क्वायर का एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे सिस्टम में चार चार्जेस हैं जो वर्टिसेस पे रखे हैं, तो उसमें वी हैड सिक्स पेयर्स, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 एंड 3, 4। और जनरलाइज किया था कि अगर एन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए विल यूज एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, राइट, नंबर ऑफ चार्जेस के, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स जो पोटेंशियल एनर्जी में आएंगे उसके लिए विल बी यूजिंग एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, दैट विल बी द एक्सप्रेशन। अब इसमें अपन देखें तो हमारे इस अरेंजमेंट में वी हैव एट चार्जेस, तो जब इसके अंदर एट वर्टिसेस हैं, एट चार्जेस हैं, तो पहले अपन नंबर ऑफ टर्म्स का ही पॉइंट देख लें, अगर अपन नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं तो दैट विल बी एन इंटू एन माइनस वन बाई टू के हिसाब से दैट विल बी 28 टर्म्स, आपके टोटल 28 पेयर्स यहां पे बन रहे हैं, 28 टर्म्स बन रहे हैं, यहां जो आठ चार्जेस हैं उनको अगर पेयर वाइज अपन देखेंगे, सभी का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, पूरे सिस्टम का लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके 28 आने वाले हैं। ऑफकोर्स वी कैनॉट गो ऑन राइटिंग दोज 28 टर्म्स, राइट, हम लोग ऐसे 28 टर्म्स टोटल नहीं लिख सकते ऐड करने के लिए, वी नीड टू फाइंड सम पैटर्न, तो पहले इस पैटर्न के बारे में, क्यूब के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। इसको विजुअलाइज करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने लिविंग रूम में, अपने रूम में, जिस रूम में बैठे हो उस रूम को एक क्यूब की तरह इमेजिन करो, तो उस क्यूब में अगर आप एनालाइज करें, है ना, इस क्यूब में अगर अपन एनालिसिस करें तो उस क्यूब में वी ओवरऑल वी हैव एट वर्टिसेस, जो उसके कॉर्नर्स हैं, वर्टेक्स अगर अपन देखें तो वी हैव एट वर्टिसेस। फिर एजेस की, साइड्स की अपन बात करें, साइड लेंथ ए अगर ले रहे हैं तो साइड्स की अपन बात करें तो वी हैव 12 एजेस,
आप टोटल अगर काउंट करोगे तो इसकी साइड्स अगर आप देखोगे तो विल बी 12 एजेस, तो देयर आर 12 एजेस। फर्दर वी कैन सी कि इसमें जितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, एक क्यूब के जितने नंबर ऑफ फेसेस हैं, आप अपने रूम में टोटल नंबर ऑफ वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग काउंट कीजिए, तो उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो हैं दैट विल बी 6, कि फ्रंट फेस, बैक फेस, बॉटम फेस, टॉप फेस, राइट एंड लेफ्ट। तो ऐसे वी हैव 6 फेसेस। फर्दर एक नाम मैं ले रहा हूं, दैट इज फेस डायगनल, मतलब एक दीवार आप अपने रूम का इमेजिन करो, आप एक एक वॉल को ऑब्जर्व करो, तो उस वॉल पे आप देखोगे तो उसके एक वर्टेक्स को दूसरे वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला, मतलब ये वाला जो साइड है जो यूजुअल स्क्वायर का डायगनल होता है, सिंस हमने एक क्यूब कंसिडर किया है ना, क्यूब कंसिडर किया है, तो ऑल द फेसेस ऑफ दैट क्यूब विल बी स्क्वायर्स। तो ये स्क्वायर का ये एक डायगनल बन रहा है, ये इसका सेकेंड डायगनल बनेगा, तो एक दीवार पे, एक फेस पे विल बी हैविंग टू डायगनल्स, राइट, एक फेस पे विल बी हैविंग टू डायगनल्स ईच ऑफ लेंथ रूट टू ए। स्क्वायर का ही प्रॉपर्टी है, एक स्क्वायर कंसिडर कर रहा हूं, जैसे ये क्यूब में सभी फेसेस जो है वो स्क्वायर्स हैं, एक पॉइंट को, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन किया यहां पे, तो एक फेस डायगनल बन रहा है ऑफ लेंथ रूट टू ए। अच्छा, अब एक फेस पे दो डायगनल्स है ना, एक दीवार पे, एक वॉल पे वी हैव टू डायगनल्स एंड वी हैव 6 सच फेसेस, तो टोटल मेरे पास 12 फेस डायगनल्स हो गए। ठीक है, सो वी हैव 12 फेस डायगनल्स, एक फेस के ऊपर दो डायगनल आ रहे हैं रूट टू ए लेंथ के हैं, जैसे 12 एजेस जो हैं, दीज 12 एजेस हैव साइड लेंथ ए, ये जो फेस डायगनल्स होंगे, दीज फेस डायगनल्स दे हैव लेंथ रूट टू ए, एंड देन एक डायमेंशन जो बता है दैट इज बॉडी डायगनल। नाउ बॉडी डायगनल ऑफ अ क्यूब मींस, कि अगेन आप अपने रूम में विजुअलाइज करना है इस चीज को, कि अपन ये वाला कॉर्नर कंसिडर करें इस क्यूब का, इस रूम का ये वाला कॉर्नर कंसिडर करें, और इस कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक का एक डायगनल अपन बना रहे हैं। सिमिलरली ये वाला कॉर्नर कंसिडर करें, इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक का अपन डायगनल बना रहे हैं। सिमिलरली दिस कॉर्नर यहां से इस कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक डायगनल आ रहा है, एंड सिमिलरली दिस कॉर्नर यहां से लेके इस जगह तक का डायगनल आ रहा है। तो एक रूम में अगर आप विजुअलाइज करोगे डायगनल्स बनाने की, तो ऐसे 4 बॉडी डायगनल्स बनेंगे, राइट, ये वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक आ रहा है, इस कॉर्नर से इधर सामने तक जा रहा है, वो वाले कॉर्नर से इस नीचे तक आएगा, एंड ये वाले कॉर्नर से यहां तक जाएगा। तो विल बी हैविंग 4 बॉडी डायगनल्स ईच ऑफ लेंथ रूट 3a। ये क्यूब की प्रॉपर्टीज हैं, पहले भी हमने डिस्कस की है कि इसमें 12 एजेस हैं, मतलब 12 साइड्स हैं ईच ऑफ साइड लेंथ ए, then we have 12 face diagonals each of side length root 2a and we have 4 body diagonals each of length root 3a। ठीक है, तो जैसे मैंने स्क्वायर वाले केस में भी आपको यही बताया था, ये डिस्कस किया था कि आप पहले पेयर्स के बारे में पता कर लो, तो यहां देख लिया नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे वो 28 पेयर्स बनेंगे, अब ये वाले चार्ज का इससे पेयर बन रहा है, फिर ये वाले चार्ज का इससे पेयर बनेगा, इस वाले चार्ज का इससे पेयर बनेगा, ऐसे गो ऑन काउंटिंग, विल बी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स भी 28 पेयर्स बन रहे, 28 टर्म्स आने, और 28 पेयर्स जो बनेंगे उसमें डिस्टेंस क्या क्या है, ये वाले चार्ज का इस चार्ज से डिस्टेंस ए है, फिर ये वाले चार्ज का इस वाले चार्ज से डिस्टेंस रूट टू ए है ना, एक फेस का डायगनल है, फिर ये वाले चार्ज का इस वाले चार्ज के साथ जो डिस्टेंस है दैट इज रूट 3a, ये बॉडी डायगनल है पूरा। तो ऐसे सारे पेयर्स में मुझे डिस्टेंसेस पता करने होंगे, कौन कौन से डिस्टेंसेज हैं, क्या क्या टाइप ऑफ डिस्टेंसेज हैं, तो आपको 3 टाइप्स इसमें मिलेंगे। आप कोई भी 2 चार्जेस कंसिडर करो, उनमें या तो डिस्टेंस ए होगा, या डिस्टेंस रूट टू ए होगा, या डिस्टेंस रूट 3a होगा। तो अब मेरे पास 12 पेयर्स ऐसे हैं, आप देखो एक एज पे वी हैव 2 चार्जेस, ये एक एज पे ये 2 चार्जेस पड़े, ठीक है, तो टोटल वी हैव 12 एजेस, तो 12 पेयर्स ऐसे बन रहे हैं, 12 पेयर्स ऐसे बनेंगे जिनमें डिस्टेंस ए आएगा। आराम से ये पॉइंट को समझेगा, ये वाला एक पेयर है, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, ए डिस्टेंस,
इन दोनों के बीच में ए डिस्टेंस है, ये चार्ज और इस चार्ज में ए डिस्टेंस है, दिस चार्ज और ये चार्ज ए डिस्टेंस है, ऐसे 12 पेयर्स ऐसे बनेंगे, 12 पेयर्स ऐसे बनेंगे जिनमें ए डिस्टेंस होगा। अच्छा, फिर कुछ पेयर्स हैं जो फेस डायगोनल पे, जैसे ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में डिस्टेंस रूट टू ए है, ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस रूट टू ए है, तो देयर विल बी 12 पेयर्स जो फेस डायगोनल्स पे हैं ऐसे, तो 12 पेयर्स ऐसे होंगे जिनके बीच में डिस्टेंस रूट टू ए है। और फिर बॉडी डायगोनल पे भी अपन को चार्जेस मिल रहे हैं, जैसे ये वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस रूट थ्री ए है, तो वी हैव 4 पेयर्स जिनके बीच में रूट थ्री ए डिस्टेंस है। ठीक है, तो ओवरऑल 12 पेयर्स ए डिस्टेंस वाले, 12 पेयर्स रूट टू ए डिस्टेंस वाले और 4 पेयर्स रूट थ्री ए डिस्टेंस वाले। इफेक्टिवली देयर विल बी 12 प्लस 12 24 प्लस 4 28, जो 28 पेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो 28 टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, वो 28 टर्म्स आपके इस तरह से बनेंगे, 12 टर्म्स ए डिस्टेंस वाले, 12 टर्म्स रूट थ्री ए डिस्टेंस वाले, रिमेनिंग 4 टर्म्स रूट थ्री ए डिस्टेंस वाले, सो अकॉर्डिंगली विल बी हैविंग टोटल 28 टर्म्स नेट पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब वो टर्म्स अपन लिखते हैं कि उसके टोटल पोटेंशियल एनर्जी में टर्म्स क्या क्या आएंगे, किस तरह के आएंगे, वो टर्म्स अपन मेंशन करें। तो आप देखिए इसके पोटेंशियल एनर्जी में, अच्छा चार्जेस सारे आइडेंटिकल हैं, तो विल बी हैविंग के क्यू वन क्यू टू बाय आर, है ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर के हिसाब से चल रहे हैं, तो चार्जेस सारे आइडेंटिकल होंगे, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, तो ये डिस्टेंस जो है दैट इज ए, 12 पेयर्स ऐसे बनेंगे, 12 पेयर्स ऐसे बनेंगे जिनमें ए डिस्टेंस है, तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी के क्यू वन क्यू टू बाय आर, और ऐसे मेरे पास 12 पेयर्स हैं, है ना, इस तरह के मेरे पास 12 पेयर्स हैं, तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी 12 पेयर्स में मुझे मिल रही होगी, तो इसको मैं के क्यू स्क्वायर लिख सकता हूं, तो उसके हिसाब से कैन बी रिटन एज वी हैव 12 पेयर्स विथ पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय ए। ठीक है, 12 पेयर्स तो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय ए वाले हो गए। देन वी हैव 12 पेयर्स जो फेस डायगोनल्स पे आ रहे हैं, 12 पेयर्स विद पोटेंशियल एनर्जी रूट टू ए, तो 12 पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू, वही आइडेंटिकल चार्जेस और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए, वी आर अप्लाइंग के क्यू वन क्यू टू बाय आर, आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो क्यू वन इंटू क्यू टू जो है वो क्यू स्क्वायर होता जा रहा है, कुछ चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस ए है, ऐसे 12 पेयर्स बन रहे हैं, तो 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो ये हो गया 12 टर्म्स ऐसे हैं, 12 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें डिस्टेंस रूट टू ए है, तो 12 के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए हो गया। एंड देन आफ्टर दैट लास्ट में वी हैव 4 पेयर्स जिनके बीच में डिस्टेंस रूट थ्री ए है, तो इट विल बी 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय रूट थ्री ए। ठीक है, दैट विल बिकम योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में बन गया कि 12 टर्म्स जो एजेस पर है, 12 पेयर्स जो एजेस से सेपरेटेड हैं, तो ए डिस्टेंस, देन वी हैव 12 जिनके बीच में डिस्टेंस रूट टू है, एंड देन वी हैव 4 जिनके बीच में डिस्टेंस रूट थ्री है, एंड टोटल आपके 28 पेयर्स 28 टर्म्स का हमें अकाउंटिंग मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गो ऑन। सो हमने 8 चार्जेस लिए, पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लिए, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे, फिर पेयर्स कौन कौन से बन रहे हैं वो देखना है कि डिस्टेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो डिस्टेंसेस हमने एनालाइज किया अपने रूम में प्रॉपर्ली, उसको इमेजिन करो आप जो मैंने बताया, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम के क्यू वन क्यू टू बाय आर 12 टाइम्स, के क्यू वन क्यू टू बाय आर रूट टू ए 12 टाइम्स, एंड के क्यू वन क्यू टू बाय रूट थ्री ए 4 टाइम्स, वो आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी इस क्यूब का हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो दैट वॉज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ट्राइंगल स्क्वायर एंड क्यूब। रिमेनिंग अरेंजमेंट्स ऑफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि अपन अलग अलग अरेंजमेंट्स अगर ले रहे हैं तो विल बी फॉलोइंग द सेम फॉर्मैट। फाइन, चलिए अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज अबाउट दिस वर्क डन वाला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पहले, दैट वी आर गिवन, लेट्स से वी आर गिवन अ ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी आर गिवन,
of side length A, and we have three identical charges. We have three identical charges placed on the vertices of this triangle, right? We have an equilateral triangle, and we have three identical charges placed on the vertices of this triangle. Now the target is कि इन चार्जेस को मुझे ये ए साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल से हटा के एंड मुझे ए साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल से इनको रिमूव करना है और इनको ए बाय टू साइड लेंथ वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल पे शिफ्ट करना है। जो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कॉन्सेप्ट, उसी का अब प्रॉपर न्यूमेरिकल अपन देख रहे हैं। दैट वी नीड टू फाइंड द वर्क डन, द क्वेश्चन इज टू फाइंड W external required to shift the charges from initial to final configuration. That is from a bigger triangle to a smaller triangle. ठीक है, तो that is the task कि हमें ये तीन charges जो हैं, इन तीन charges को यहां से इस जगह से pick करना है और इन charges को हमें pick करके move करा के इस point, मतलब ये जो smaller triangle है a by 2 वाला, इसके vertices पे लाके हमें arrange करना है। और उस process में W external कितना करना होगा, वो W external हमें find out करना है, right? The work done by external agencies. तो पहले तो अपन ये चीज चेक करें कि इसमें external work actually, इस process में actually external work required है भी या नहीं है, उस बात में उस point को आप देखिए। अगर these three charges are left free to move, हाँ, इन तीनों को अगर मैं इन vertices पे free छोड़ देता हूँ, इनको अगर मैं free छोड़ देता हूँ, तो free छोड़ने पे they all have a tendency to repel each other. तो तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और जब तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो व्हेन दे आर लेफ्ट फ्री टू मूव सो दे विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग आउटवर्ड्स। ये तीनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बिकॉज सेम नेचर है, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो ऑफकोर्स दे हैव अ टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर। तो तीनों का टेंडेंसी है एक दूसरे से दूर मूव कर जाने का और हमें टास्क दिया गया है कि इन्हें इनके एक्चुअल जो बिहेवियर ये एक्सपेक्टेड है कि भाई आउटवर्ड्स मूव करेंगे, हम उसके अगेंस्ट इनको अंदर वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पे शिफ्ट करना है। टेंडेंसी रिपल्शन की वजह से इनका है बाहर की तरफ जाने का और आप उस टेंडेंसी के अगेंस्ट इनको ए बाय टू वाले ट्राइंगल पे शिफ्ट कर रहे हो, है ना? ए बाय टू वाले ट्राइंगल के वर्टिसेस पे हमें शिफ्ट करना है तो ऑफकोर्स हमें इनके फोर्सेस के, इनकी टेंडेंसी के अगेंस्ट लेकर आना है। दैट्स व्हाई वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी, भाई अपने आप इनका इस वाले ट्राइंगल पे आने का टेंडेंसी नहीं है, राइट? सिंस दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिपेलिंग ईच अदर, तो ये अपने आप ए बाय टू वाले ट्राइंगल पे मूव नहीं कर सकते। तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू, एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू इन चार्जेस को उठाकर बड़े ट्राइंगल से छोटे ट्राइंगल के वर्टिसेस पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मुझे इसमें W एक्सटर्नल फाइंड आउट करना है तो दैट W एक्सटर्नल कैन बी इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग डेल्टा U प्लस डेल्टा K। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव वगैरह यहां कुछ है नहीं, तो W एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K। अच्छा, फर्दर क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाइड रहेगी या क्वेश्चन में चीज स्पेसिफाइड है कि ये चार्जेस यहां पे रेस्ट थे, इनको यहां से हमने पिक किया और इस जगह लाकर प्लेस कर दिया, यहां पर भी ये रेस्ट पे ही है, तो चार्जेस दे आर इनिशियली केप्ट फिक्स्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल एंड फाइनली दे आर टू बी केप्ट फिक्स्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो पहले वो बड़े वाले ट्राइंगल के वर्टिसेस पे थे, रेस्ट पे थे, और फाइनली वो छोटे वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रेस्ट में है, तो यहां से पिक करके इन्हें हमें एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू यहां पे लाकर रखना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो था, रेस्ट पे थे, यहां पे लाके प्लेस कर रहा हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, रेस्ट पे है, तो इन्हें स्लोली मूव करते हुए विदाउट चेंजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी यहां पे अगर मैं लेकर आ रहा हूं तो डेल्टा के तो मेरा जीरो हो गया, और डेल्टा के अगर जीरो हो गया दैट मींस एक्सटर्नल वर्क निकालने का मेरे पास सीधा मेथड है, दैट एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो अगर मैं इस कंप्लीट सिस्टम का डेल्टा यू इवैल्यूएट कर लूं, है ना, इस कंप्लीट सिस्टम का अगर मैं डेल्टा यू इवैल्यूएट कर लूं तो
that delta U, the change in potential energy, will give us the value of W external. तो इसी इवैल्यूएशन पे आगे बढ़ना है कि सिस्टम का इनिशियल एनर्जी क्या था. अच्छा, ये हमने वर्क निकालना है, पूरे सिस्टम पे कितना वर्क करना पड़ेगा. तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज का नहीं है, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम. पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है वो इवैल्यूएट करना है. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं. राइट, तो जैसे हमने कहा कि W एक्सटर्नल निकालने के लिए हमें डेल्टा U निकालना होगा. ओके, तो अकॉर्डिंगली अगर अपन देखें हमारे सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, हमारे पूरे सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था ये बड़ा वाला ट्रायंगल. तो ये तीन चार्जेस पहले बड़े वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पे थे. अच्छा, सभी चार्जेस के बीच में आप देख रहे हैं, सभी पेयर्स के बीच में डिस्टेंस ए है. तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये Q और इस Q का पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस A है, इट विल बी के क्यू वन क्यू टू बाय आर, सो इट्स के क्यू स्क्वायर बाय A. और ऐसे तीन पेयर्स बनेंगे ट्रायंगल में, ऐसे तीन पेयर्स बनेंगे. तो के क्यू स्क्वायर बाय A, ये भी वही आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय A एंड ये के क्यू स्क्वायर बाय A. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का बनेगा दैट विल बी थ्री के क्यू स्क्वायर बाय A. ठीक है, जब ये बड़े वाले ट्रायंगल पे थे. Now, when they are moved to the triangle of side length a by 2, right? जब इन्हें यहां से उठाकर मैंने छोटे वाले ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखा, अब यहां छोटे वाले ट्राइंगल में इनके बीच में डिस्टेंसेस जो है दैट इज a by 2. अच्छा, बाकी चीजें वही हैं, चार्जेस वही हैं, तीन पेयर्स बनेंगे, बट डिस्टेंस जो होगा वो a की जगह अब मैं a by 2 रख रहा हूं. तो इफेक्टिवली ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6 के क्यू स्क्वायर बाय a. ठीक है, UF जो आपका आएगा दैट UF वैल्यू इट विल बी 6 KQ स्क्वायर बाय A. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 6 KQ स्क्वायर बाय A अपन ने निकाल लिया. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 3 KQ स्क्वायर बाय A और मुझे एक्सटर्नल वर्क निकालना है विच इज डेल्टा U. तो ये UF माइनस UI जब कर रहा हूं 6 KQ स्क्वायर बाय A माइनस दिस 3 KQ स्क्वायर बाय A जैसे ट्रैक कर रहा हूं, so that uf minus ui is 3 kq square upon a, that is the value of external work required, right? maine is pure system ka initial potential energy likh diya pehle jab ye a side ke triangle pe the, pure system ka final potential energy likha jab ye a by 2 wale triangle pe pahunch gaye, aur fir external work nikalne ke liye ki aisa karne ke liye inko yahan se yahan lane ke liye external agency ko kitna work karna padega, to wo maine delta u se evaluate kiya by uf minus ui, aur wo uf minus ui wala result aapka ye aa raha hai. अच्छा, अब ये देखें अपन एक्सटर्नल वर्क जो आया है दैट इज पॉजिटिव. अब पॉजिटिव वर्क का यहां पे अपन एक्सप्लेनेशन ऐसा दे सकते हैं, इसमें इस क्यू चार्ज को जैसे सिंस आपस में तो ये सब दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं तो इनकी टेंडेंसी दूर जाने की थी, बट मैं इसको फोर्स लगाकर एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से इसको अंदर की तरफ ला रहा हूं. तो इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से इस जगह कराएगा. अच्छा, इसको अंदर की तरफ लाने के लिए फोर्स भी उसी तरफ लगा रही होगी जो बाहर जाने की टेंडेंसी है, बाहर ना जाए, तो मैंने फोर्स अंदर की तरफ लगाया होगा, तो इसी तरफ फोर्स लगाया होगा लेट्स से. तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जो होगा वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में आएंगे एंड इफेक्टिवली दैट एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो पॉजिटिव जस्टिफाइड रहेगा. तो इनकी टेंडेंसी आउटवर्ड थी, मैं इनको उस आउटवर्ड टेंडेंसी के अगेंस्ट लेकर आ रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू अंदर खींच के ला रहा हूं, अंदर की तरफ ही फोर्स लगा रहा हूं, अंदर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरा एक्सटर्नल वर्क जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. तो यूएफ माइनस यूआई करने से हमारा एक्सटर्नल वर्क इसके अंदर आ गया. अच्छा, इन केस इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा होता अबाउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस, यहां केयरफुली समझना कि जब इन चार्जेस को बड़े वाले ट्रायंगल से मूव करके छोटे वाले ट्रायंगल पे ला रहे हैं तो एक दूसरे को आपस में फोर्सेस भी लगा ही रहे हैं लोग. अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेट किया है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है इनको वहां से लाने में, बिकॉज नेचुरली इनकी टेंडेंसी नहीं थी अंदर आने की, तो वहां से इधर लाने में जो एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ा वो हमने निकाल लिया, जिसमें डेल्टा के जीरो रखना पड़ेगा वो हम बात कर लिए. अब पॉइंट ये है कि जब इन्हें यहां से अंदर की तरफ लाया जा रहा है तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस भी लगा रहे हैं. तो अगर क्वेश्चन होता कि यहां से इधर तक लाने में व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस, ये जो एक दूसरे को फोर्सेस लगा रहे हैं उन फोर्सेस ने कितना वर्क किया इस प्रोसेस में, वो कैलकुलेट अगर करना होता. तो आप देखिए,
इसी क्वेश्चन का पार्ट बी बन जाएगा, दैट वी नीड टू फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस प्रोसेस, राइट। इसको अपन फर्दर इस वे में रिलेट कर सकते हैं, अभी भी बात हुई थी कि अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकालना है, राइट, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालना है, तो सिंस दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, है ना, कंजर्वेटिव है, तो अपन रिजल्ट जानते हैं डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू सी, राइट। अपने पास ये एक रिजल्ट है दैट डेल्टा यू जो है, दैट डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये पॉइंट अपने पास, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव ही है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क जो है दैट कैन बी इवेल्युएटेड बाय माइनस डेल्टा यू। पार्ट ए में हमने एक्सटर्नल एजेंसीज का वर्क निकाला था, वो प्लस डेल्टा यू आया था, देखिए प्लस डेल्टा यू आया था, और उसमें कंडीशन क्या थी, दैट डेल्टा के हैज टू बी जीरो, पर यहां मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकालना है, वो स्ट्रेट अवे इसी पॉइंट से माइनस डेल्टा यू आ रहा है, मैंने बताया था कि इसके लिए मुझे कोई कंडीशन नहीं चाहिए, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क इट विल बी माइनस डेल्टा यू। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने प्लस डेल्टा यू निकाला, वो 3KQ² / A आया पार्ट ए में अपना आंसर, यहां इट विल बी माइनस 3KQ² / A आपका, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क जो आ रहा है, दैट इज माइनस ऑफ दैट डेल्टा यू माइनस 3KQ² / A। अच्छा, एक और पॉइंट आप इस बात में एनालाइज कर सकते हो, ये तो आपने वर्क डन के बारे में समझ लिया कि वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में एक्सटर्नल एजेंसीज को कितना वर्क करना पड़ेगा, वो सॉल्व कर लिया, उसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में आपस में ये लोग जो फोर्सेस लगा रहे हैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया होगा वो अपन ने निकाल लिया। अब आप सिस्टम पे टोटल वर्क देखो, इसे ये पार्ट तो हो गया सॉल्व आपका, अगर आप सिस्टम पे टोटल वर्क देखो तो डब्ल्यू नेट अगर आप देखेंगे तो उसमें एक तो एक्सटर्नल एजेंसीज ने वर्क किया प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंसीज ने जो वर्क किया वो आपका प्लस डेल्टा यू आया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने जो वर्क किया वो माइनस डेल्टा यू आया, तो ये प्लस डेल्टा यू और ये माइनस डेल्टा यू ना, तो नेट वर्क जो आ रहा है, नेट वर्क डन जो आ रहा है पूरी कहानी में, दैट इज जीरो, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वो सब मिला जुला के जीरो आया, वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है बता रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंसीज ने अपना अलग वर्क किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने अपना अलग वर्क किया, बट टोटल वर्क अगर हम सिस्टम पे निकाल रहे हैं तो वो जीरो है, जो आपके वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कंसिस्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है जिसमें आप लिखते थे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये हमने पहले ही स्पेसिफाई किया था कि वो ट्रायंगल के वर्टिसेस पे पहले भी रेस्ट पे थे, फाइनली मैंने उनको वहां पे लाके रखा विदाउट अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उधर भी रेस्ट पे ही है, तो आपका नेट काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो ही था, तो आपका नेट वर्क डन भी अल्टीमेटली जीरो ही आना था। देखिए पार्ट ए का आंसर जीरो नहीं है, पार्ट ए में एक्सटर्नल वर्क पूछा था, दैट इज नॉन जीरो, डेल्टा यू आया है, पॉजिटिव आया है। पार्ट बी का आंसर भी जीरो नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क पूछा था, वो भी माइनस डेल्टा यू है, नॉन जीरो आया है। बट जब मैं टोटल वर्क निकाल रहा हूं कि एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क भी ले लूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क भी ले लूं, तो आपका नेट वर्क डन जो है वो सिस्टम पे जीरो है, विच इज जस्टिफाइड कि सिंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो टोटल वर्क डन सब मिला जुलाकर आपका नेट वर्क डन भी जीरो ही आना था। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, जहां एक्सटर्नल एजेंसीज का वर्क है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के से जाओगे, डेल्टा के जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू एक्सटर्नल को डेल्टा यू से इक्वेट कर दोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क पूछ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क माइनस डेल्टा यू से जाओगे, भले इट इज अ ट्रायंगल स्क्वायर जो भी फॉर्मेशन हो, मेथड जो रहेगा वो मोर लेस आपका इसी फॉर्मेशन में चल रहा है, राइट। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल जो अपन इसमें ले रहे हैं, अब सिचुएशन ये है कि हमें अब यहां पे ये तीन चार्जेस गिवन है जो आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए। ठीक है, तीन चार्जेस हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे प्लेस्ड हैं साइड लेंथ ए। And now the task is
इस केस में द थ्री चार्जेस दे विल बी लेफ्ट फ्री टू मूव ऑन द वर्टिसेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, राइट? स्मॉलर ट्रायंगल इस बार ए का ले रहा हूं और बाहर वाला जो ट्रायंगल है वो 2a साइड लेंथ का है, ठीक है? स्मॉलर ट्रायंगल जो है वो a साइड लेंथ का है और बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो 2a साइड लेंथ का है। और टास्क हमें इस बार ये क्या हुआ है, दीज थ्री चार्जेस दे आर लेफ्ट फ्री, दे आर रिलीज एट रेस्ट फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ ए। अच्छा, ऑफकोर्स सिंस ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सिंस एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, तो दे ऑल हैव अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग आउटवर्ड्स, सो दे आर लेफ्ट फ्री ऑन द वर्टिसेस ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो ऑफकोर्स दे विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड्स। अच्छा देखो, सिंस ऑल द थ्री चार्जेस दे हैव द सेम चार्ज, दे हैव द सेम मास, चार्ज भी तीनों का सेम है, ये गिवन है कि तीनों का चार्ज जो है दैट इज क्यू एंड मास जो है दैट इज एम, ठीक है? तीनों का चार्ज क्यू है और तीनों का मास सेम है, मास इज एम ऑल थ्री। नाउ दे आर रिलीज्ड एट रेस्ट, ठीक है? इस वाले ट्रायंगल पे दे आर रिलीज्ड एट रेस्ट। अब इनको यहां पे अगर अपने रेस्ट से रिलीज किया तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच चार्ज, नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच चार्ज व्हेन दे रीच द वर्टिसेस ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो मैंने इन तीनों चार्जेस को ये स्मॉलर ट्राइंगल जो है उसके वर्टिसेस से रेस्ट पे रिलीज किया है। जब रेस्ट पे रिलीज किया तो सिंस तीनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करते हुए दे ऑल हैव अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग आउटवर्ड्स। अच्छा, आप देखोगे कि ये दोनों चार्जेस मिलकर इसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं आउटवर्ड्स, ये दोनों चार्जेस मिलकर इस वाले को रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं आउटवर्ड्स, तो तीनों अल्टीमेटली एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, सिंस दे ऑल हैव द सेम चार्ज, दे ऑल हैव द सेम मास, सो वी डू नॉट हैव एनी रीजन टू फेवर एनी चार्ज, मतलब तीनों चार्जेस का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी द सेम, तीनों के ऊपर जो नेट फोर्स है वो भी सेम है, इक्विलेटरल एंगल है, ये दोनों मिलकर इसको जो फोर्स लगाएंगे, ये दोनों मिलकर इसको जो फोर्स लगाएंगे और ये दोनों चार्जेस मिलकर इसको जो फोर्स लगाएंगे दैट विल बी द सेम, तो तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स आउटवर्ड्स ही है, तीनों पे आने वाला एक्सेलरेशन वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड वो भी सेम होगा, तो अल्टीमेटली दे विल ऑल रीच द वर्टेक्स ऑफ द आउटर ट्रायंगल टुगेदर, मतलब ये वाला चार्ज जिस समय इस वर्टेक्स पे पहुंच रहा है, ये वाला चार्ज भी उसी समय इस वर्टेक्स पे आ रहा होगा, ये वाला चार्ज उसी समय इस वाले वर्टेक्स पे आ रहा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये अलग अलग समय पे इन वर्टिसेस पे नहीं पहुंच रहे हैं, सिंस तीनों का चार्ज बराबर है तो कोई भी एक चार्ज पे बाकी दो मिलके जो फोर्स लगाएंगे वो तीनों में सेम आ रही है, इसके ऊपर ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं, इस वाले पे ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज द सेम मैग्नीट्यूड, फोर्स बराबर है, मास बराबर है, तो एक्सेलरेशन भी तीनों का बराबर आएगा, तो दे विल कवर द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इन द सेम टाइम, तो एक ही इंस्टेंट पे ये तीनों चार्जेस बाहर वाले ट्राइंगल पे पहुंच जाएंगे। अब पहले तो ये चीज देखो कि क्या ये प्रोसेस करने में डू वी नीड एनी एक्सटर्नल एजेंसीज, बाहर की कोई एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं क्या? तो द आंसर इज नो, बिकॉज सिंस ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑलरेडी इनका टेंडेंसी बाहर की तरफ जाने का ही है ना, ऑलरेडी इनका टेंडेंसी आउटवर्ड मूवमेंट का ही है, तो ये अपने आपस के रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही ये आउटवर्ड मूव करने लग गए, तो यहां से इधर पहुंचाने में, इधर से इधर आने में देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम, है ना? तीनों को एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू मूव नहीं कराना पड़ रहा है, ये अपने सिस्टम की इंटरनल रिपल्सिव फोर्सेस के थ्रू ही, इंटरनल रिपल्सिव फोर्सेस के थ्रू ही ये आउटवर्ड मूव करने लगते हैं, तो ये सब आउटवर्ड मोशन इनका स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये लोग आउटवर्ड मूव करेंगे दे विल ऑल रीच देयर रिस्पेक्टिव वर्टिसेस एट द सेम टाइम, अब उस प्रोसेस में क्या वी विल राइट इज दे आर रिलीज एट रेस्ट एंड नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ईच चार्ज, तीनों इस जगह जब पहुंचेंगे तो उस समय तीनों ने कितना स्पीड अक्वायर कर लिया, ऑब्वियसली दे अक्वायर स्पीड बिकॉज फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेटेड है, आउटवर्ड जा रहे हैं, तो यहां पहुंचते पहुंचते इनकी स्पीड क्या हो चुकी होगी वो निकालना है।
डू नॉट बी कंफ्यूज विद द प्रीवियस एग्जाम्पल, वहां मुझे बड़े ट्राइंगल से छोटे ट्राइंगल पे केवल शिफ्ट करना था, वहां से पिक करके इधर प्लेस करना था, तो उनको मूव करने के लिए हमने फ्री नहीं छोड़ा था, तो यहां से उठाया था यहां प्लेस किया था। इस बार बोल रहे हैं कि ए साइड के ट्राइंगल पे दे आर रिलीज्ड एट रेस्ट, फ्री छोड़ दिया, फ्री छोड़ा, उसके बाद दे आर लेफ्ट फ्री टू मूव आउटवर्ड्स, सेम मैग्नीट्यूड का उन्होंने फोर्स झेला, सेम एक्सेलरेशन इनका आया, एक साथ ही अपने अपने आउटर वर्टेक्स पे पहुंचे, और जब ये अपने आउटर वर्टेक्स पे पहुंच रहे होंगे, जब उसको क्रॉस कर रहे होंगे, उस समय उनकी स्पीड क्या होगी, ईच चार्ज कितना स्पीड होगा उसका, वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपका बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा, क्या आप देख रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो खैर कोई है ही नहीं, है ना? तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है दैट इज जीरो। एक्सटर्नल एजेंसीज का मैंने अभी आपको बताया, दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिपेलिंग ईच अदर एंड मूविंग आउटवर्ड्स, तो एक्सटर्नल एजेंसीज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंस इनको अपन ने फ्री छोड़ दिया, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई फोर्स लगा के तो मुझे शिफ्ट करना नहीं पड़ रहा है, एक दूसरे कोई फोर्स लगाकर नेचुरली अपने आप ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क भी नहीं है। एंड यू कैन रिकॉल कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क जीरो होता है और एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क भी जीरो होता है, then we can apply mechanical energy conservation as delta U plus delta K equals zero. Mechanical energy conservation ध्यान होगा सबको, that delta U plus delta K equals to zero because non-conservative forces का work भी zero है, external forces का work भी zero है, तो delta U plus delta K equals to zero हम लिख सकते हैं as for mechanical energy conservation. अब mechanical energy conservation के लिए of course मुझे अब पहले delta U चाहिए, तो आप देखो U इनिशियल जो है वो ट्राइंगल वाला पॉइंट अपन मल्टीपल टाइम सॉल्व कर चुके हैं, U इनिशियल मतलब स्मॉल ट्राइंगल, तो जब ये स्मॉलर ट्राइंगल पे हैं तीनों चार्जेस, साइड लेंथ A था, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वही थ्री पेयर्स जो आएंगे, मैंने भी ये लिखा था अपन ने, थ्री के क्यू स्क्वायर बाय A आ जाएगा U इनिशियल। सिमिलरली U फाइनल लिखे अपन, तो फाइनली ये सब 2a साइड लेंथ वाले ट्रायंगल पे चले गए, राइट? बड़े वाले ट्रायंगल पे गए तो साइड लेंथ 2a पे चले गए, तो दिस इज 3kq स्क्वायर अपॉन 2a, ये तीन पेयर्स थे जो a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, और बाद में जब बड़े वाले वर्टिसेस पे पहुंचे, फाइनल कॉन्फिगरेशन में जब आए तो साइड लेंथ 2a पे पहुंच गए, इट इज 3kq स्क्वायर बाय 2a, तो अब ये डेल्टा u अपन यहां प्लेस करेंगे, तो uf माइनस यू आई जब कर रहा हूं, दिस 3kq स्क्वायर बाय 2a माइनस 3kq स्क्वायर बाय a, जब इन uf माइनस ui कर रहा हूं, तो आप देखिए डेल्टा u की जगह दिस uf माइनस ui दिस इज माइनस 3kq स्क्वायर अपॉन 2a, आप सब्ट्रैक करें तो uf माइनस ui जब करोगे तो दैट विल बी माइनस 3kq स्क्वायर बाय 2a। अच्छा अब डेल्टा k, डेल्टा के में मुझे के एफ माइनस के आई लिखना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो एक पॉइंट ये है कि यार हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि तीनों पार्टिकल्स का मास जो है दैट इज द सेम, तीनों पार्टिकल्स का मास सेम है, तीनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करते हुए बाहर गए, वही सिमेट्री आइडेंटिकल चार्जेस, तीनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तो एक्सेलरेशन सेम है, फोर्स सेम लग रहा है, डिस्टेंस बराबर चल रहा है, तो फाइनली जब यहां पहुंच रहे होंगे they will all acquire the same speed. इस वाले चार्ज का यहां v स्पीड होगा, इस वाले का भी वही v होगा, यहां पे भी v होगा। रीजन समझ में आ रहा है कि इन तीनों पे जो फोर्स मैग्नीट्यूड है वो सेम है, चार्जेस बराबर है, सिमेट्री है, डिस्टेंसेस बराबर है, मास इक्वल होने की वजह से तीनों का एक्सेलरेशन भी बराबर हो गया, जो डिस्टेंस तीनों को कवर करना है वो भी सेम है, तो ऐसे केस में फाइनल स्पीड जो ये तीनों अचीव करेंगे आइडेंटिकल है, तो अल्टीमेटली इस जगह पे तीनों का स्पीड अपनी अपनी जगह पे सेम होगा। तो के एफ अगर मैं लिखूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, यहां आते आते वी स्पीड गेन कर लिया होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, बट ये हाफ एम वी स्क्वायर तो एक पार्टिकल का एनर्जी हुआ, और मैं जो का पूरा सिचुएशन लिख रहा हूं वो सिस्टम के लिए लिख रहा हूं, तीनों चार्जेस के लिए लिख रहा हूं, हाफ एम वी स्क्वायर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी यहां पर, और ऐसे तीन चार्जेस मेरे पास हैं तो थ्री टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, ये अपना के एफ हो गया, दिस इज के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी,
बिकॉज फाइनली इस जगह पहुंचना है. एंड इनिशियली मैंने कहा था दे वर रिलीज एट रेस्ट, इनको यहाँ पे रेस्ट से अपन ने रिलीज किया. इनिशियल स्पीड जीरो थी, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज जीरो. तो दिस इज के एफ माइनस के आई. मुझे डेल्टा यू लिखना था, मैंने डेल्टा यू में यू एफ माइनस यू आई किया है, ये यू एफ माइनस यू आई. मुझे डेल्टा के लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी में दिस इज के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा के एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो. अब ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो में है ना, फाइनल वैल्यू अपन देखें तो अब जब आप इक्वेट करोगे तो यहां से आपका वी का फाइनल रिजल्ट जो आएगा, ये टर्म उधर जा रहा है, इसमें टू कैंसिल हो गया, थ्री कैंसिल हो गया है ना, तो फर्दर जो आपका वी का वैल्यू आएगा दैट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम ए अंडर रूट. तो दैट मच मीटर्स पर सेकेंड, दैट मच मीटर्स पर सेकेंड इन दैट यूनिट्स जो भी इसमें रिलेवेंट होंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड जो हर पार्टिकल यहां पे पहुंचते हुए अक्वायर कर लेगा. ये मैंने टर्म डेल्टा यू का लिखा था, ठीक है. तो दैट डेल्टा यू इट इज माइनस थ्री के क्यू स्क्वायर बाई टू है डेल्टा के, विच इज के एफ माइनस के आई, और उसके हिसाब से जब अपन रीअरेंज कर रहे हैं तो फाइनल स्पीड जो मिल रहा है दैट फाइनल स्पीड इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एम ए अंडर रूट. That will be the final speed of the three particles when they reach the vertices of the outer triangle. Right, that is the result. That v जो आया आपका, that is kq square by m a under root, kq square by m a under root आ गया. तो this is how we solve the situation. In case आप समझ सकते हैं कि अगर यही situation आपको कोई और configurations में भी given हो, मतलब अगर ऐसा situation है आपको एक स्क्वायर गिवन है, फिर स्क्वायर में बोल रहे हैं कि इनके वर्टिसेस पे ये चार चार्जेस पड़े हैं, साइड लेंथ ए साइड लेंथ टू ए, इस तरह का सिचुएशन है एंड दी चार्जेस आर लेफ्ट फ्री, ये आउटवर्ड मूव करने लगे बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स. फिर यहां पे जब पहुंच रहे होंगे आउटर स्क्वायर के वर्टिसेस पे पहुंचेंगे तो स्पीड क्या होगा. अगेन वी विल अप्लाई द सेम पॉइंट दैट सिंस एक्सटर्नल एजेंसीज के रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो है, सेम वही सेम लॉजिक नॉन कंजर्वेटिव जीरो रहेगा, और सिंस ये दोनों चीजें जीरो हैं तो वी कैन ऑब्वियसली अप्लाई डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो. तो अपन डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो अप्लाई करके इस सेक्शन को भी सेम फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं. राइट, फिर एक इस तरह का एग्जाम्पल लीजिए कि अगर मान लो वी आर गिवन दैट कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है and that uniform electric field it is directed upwards, a uniform electric field है और वो अगर ऊपर की तरफ directed है और इस uniform electric field में there is a point P और यहाँ पर एक point Q मैंने consider किया, या फिर let's say इसको मैं mark कर रहा हूँ as R. तो uniform electric field अपने लगा रखी upwards and this is point P and this is point R. अच्छा, इस point P पे हमने मान लो plus 2 coulomb charge place किया, ठीक है, यहां पे प्लस टू कूलम चार्ज प्लेस किया है पॉइंट पी पे एंड वी आर मूविंग मूविंग द चार्ज फ्रॉम पी टू आर, ठीक है. इस चार्ज को मुझे पी से आर की तरफ ले जाना है तो ऑन दिस पाथ मुझे इस डायरेक्शन में इस चार्ज को ट्रैवल कराना है तो प्लस टू कूलम चार्ज को मैं पी से आर की तरफ ले जा रहा हूं और पी से आर तक ले जाने में कितना वर्क हुआ होगा वो अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें आप सीधा सा पॉइंट देखिए कि सिंस वर्क डन इवैल्यूएशन है तो पी से आर तक जाने में जब ये प्लस टू कूलम चार्ज है, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो पहले तो आप वो रिकॉल करो तो हमने एक फॉर्मूला एक्सप्रेशन पढ़ा था दैट एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई है ना. किसी भी चार्ज को जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है दैट्स गिवन बाय एफ इक्वल्स टू क्यू ई. नाउ व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो होगा वो फील्ड के अलोंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो जो फोर्स आएगा वो फील्ड के अलोंग ही आएगा. इन दिस केस जो फोर्स वेक्टर आना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है, ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट जो इसका अपन करा रहे हैं, इस चार्ज को पी से आर तक जब ले जा रहे हो तो पी टू आर डिस्प्लेसमेंट इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, डिस्प्लेसमेंट इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो इस पर लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू योर डिस्प्लेसमेंट,
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने ऊपर की तरफ लगा रखा है, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, एफ इक्वल्स टू क्यू ई से अपन देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा ये फोर्स वेक्टर, तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अलोंग द सेम डायरेक्शन बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव। अब इस चार्ज को इस फील्ड में पी से आर तक ले जा रहा हूं, तो पी से आर तक ले जाने में डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो ऑफ कोर्स आपका वर्क डन जो होगा दैट विल बी जीरो, वर्क जीरो हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता दैट वी नीड टू इवेलुएट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज, अगर इस क्वेश्चन मुझसे पूछा होता कि पी से आर तक जाने में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना अमाउंट से चेंज हो रहा है, मैंने आपको ये बताया डेल्टा यू जो है दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये अपना कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करेगा है ना, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है, जो वर्क आया है आपका जीरो है, दैट डेल्टा यू इट विल बी जीरो, पी से आर तक ले जाने में दैट वर्क डेल्टा यू का वैल्यू जो आ रहा है वो अल्टीमेटली जीरो है बिकॉज द वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, इसको पी से पिक करके मैं आर पे लेकर गया, पी पे रेस्ट पे था आर पे भी रेस्ट पे आ गया, यहां भी स्पीड जीरो है इधर भी स्पीड जीरो है, पी से आर तक ट्रैवल कराया फोर्स के परपेंडिकुलर ट्रैवल करा रहा हूं, वर्क डन जीरो है एंड दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियल एनर्जी चेंज डेल्टा यू जो आएगा वो इस केस में जीरो ही आएगा। इन केस अगर मैंने इसको अलोंग द फील्ड मूव कराया होता, अलोंग द फील्ड मूव कराते तो आपका वर्क डन जो है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस से कैलकुलेट होता, एफ डॉट एस से अगर वर्क डन इवेलुएट हो गया, मान लो उस केस में नॉन जीरो आ जाएगा, अगर एफ डॉट एस से आपका वर्क डन कैलकुलेट हो गया तो अगेन वी कैन यूज डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू सी टू इवेलुएट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कुल मिला के अगर मुझे फोर्स के बारे में बता दिया या फील्ड के बारे में बता दिया तो पहले मैं फोर्स इवेलुएट कर लूंगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मुझे कुछ डिटेल्स गिवन होंगी, देन अप्लाई द वर्क डन एक्सप्रेशन एफ डॉट एस या फिर एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन विच एवर इज रेलिवेंट, तो मैं एफ डॉट एस या वर्क का फॉर्मूला लगा के पहले वर्क इवेलुएट कर लूंगा और वर्क डन मेरा अगर कैलकुलेट हो गया तो डेल्टा यू के लिए देन आई कैन अप्लाई माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।